हेलो डियर, मैं हूँ कृष्णा और आप देख रहे हैं polytechhub.com। चलिए शुरू करते हैं। आज के हम अपने इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सब्जेक्ट, और इस पेपर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ फोर्स और टाइप्स ऑफ या कैटेगरी ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग समझेंगे, क्वेश्चन आप देख रहे हैं, व्हाट इज सिस्टम ऑफ फोर्स एंड व्हाट आर द कैटेगरी ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्स। हम लोग यहाँ पे देखने वाले, पहले आप समझिए फोर्स को, हम लोग इससे पहले के लेक्चर में पढ़ रखे हैं, पर सिस्टम ऑफ फोर्स कैसे क्या मतलब है। सिस्टम कोई भी चीज एक सिंगल एलिमेंट से नहीं बनता है। सिस्टम का मतलब है एक से अधिक चीजें। एक से अधिक चीज जब भी आती है तो वह सिस्टम कहलाती है। तो यानी हम लोग यहाँ पे सिस्टम फोर्स कहने का मतलब है जब कहीं पे एक से अधिक फोर्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वह कहलाता है सिस्टम ऑफ फोर्स। ओके, अब देखिए क्या होगा कि जब किसी बॉडी पे एक से अधिक फोर्स लग रहे होते हैं, तो उसका कंबाइंड इफेक्ट हम देखना चाहते हैं या फिर उसमें पहचानना चाहते हैं कौन से अपने जगह फोर्स है। तो वहां हमें पता होना चाहिए कि कौन से सिस्टम में या फोर्स किस कैटेगरी से आता है। तो इसलिए हमें सिस्टम ऑफ फोर्स पढ़ना जरूरी है, और ताकि हम लोग इसको अच्छे से सिस्टम ऑफ फोर्स को समझ के फोर्स को अच्छे से एनालिसिस कर सके। चलिए बात करते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स के बारे में। तो आप देख रहे हैं कि व्हेन मोर देन वन फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी देन वी वांट टू नो व्हाट आर द नेचर ऑफ फोर्सेस। दिस फोर्सेस आर टर्म्ड एज सिस्टम ऑफ फोर्स। जब एक से अधिक सिस्टम ऑफ फोर्स का सिंपल सा मीनिंग है एक से अधिक फोर्स को समझना है। एक से अधिक फोर्स जब आता है तो वह कहलाता है सिस्टम ऑफ फोर्स। अब वही बात है कि हम इसको स्टडी क्यों करते हैं, तो नंबर ऑफ फोर्स जब एक बड़ी लग रहा होता है तो हम फोर्स का नेचर समझने के लिए सब इस चीज की स्टडी करना जरूरी हो जाता है। चलिए अब बात कर लिए यहाँ सिस्टम ऑफ फोर्स के बारे में। तो सिस्टम ऑफ फोर्स को जैसे कि आपके पास एक डायग्राम के थ्रू हम लोग इसको समझाए हुए हैं ताकि आसानी से, बॉडी है इस पे एक से अधिक नंबर ऑफ फोर्स लग रहा है तो ये सब क्या कहलाएंगे, सिस्टम ऑफ फोर्स। सिस्टम ऑफ फोर्स में मिनिमम दो फोर्स होना चाहिए सिस्टम ऑफ फोर्स कहलाने के लिए, दो या दो से अधिक फोर्स। एक अकेला कोई सिस्टम ऑफ फोर्स नहीं होता है, क्योंकि सिस्टम बनने के लिए एक से अधिक एलिमेंट की आवश्यकता होती है। अब एक से अधिक चीज फोर्स आएगा तभी वो सिस्टम ऑफ फोर्स कहलाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि सिस्टम ऑफ फोर्स कितने तरीके के हो सकते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्स या टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्स। ये ऑलरेडी ये आपसे क्लासिफिकेशन या सिस्टम ऑफ फोर्स का कैटेगरी एक बार ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है 4 मार्क्स में। चलिए तो आज की क्लास में हम लोग समझते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स के बारे में। देखिए सिस्टम ऑफ फोर्स आपका सबसे पहले दो तरीके के होंगे। एक ऐसा फोर्सेस, देखिए वैसा फोर्स जो, देखिए हम लोग के आस पास में दो चीजें, जे आपको पता होगा आप लोगों को, ये द्वार आपका एक प्लेन, हम लोग के आसपास में तीन डी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, 1D, 2D और 3D, 1D, 2D और 3D। 1D लाइन आ जाता है, 2D में आपका प्लेन फिगर आ जाता है, और 3D में स्पेस आता है। तो आपको पता है ऑलरेडी कि आपका वॉल जो है ये प्लेन है, आपका वॉल ये लेयर क्या है, प्लेन है। ओके, और इससे बना हुआ जब एक से अधिक लाइन मिलते हैं तो उससे पॉइंट मिलने से लाइन बनता है, लाइन मिलने से प्लेन बनता है, और प्लेन के मिलने से स्पेस बनता है। अब देखिए कि हमारे पास दो तरह के फोर्सेस पूरे सिस्टम ऑफ फोर्स में, जो भी फोर्स होगा या तो वो कोप्लेनर होगा पूरा, या तो वो कोप्लेनर होगा या फिर नॉन कोप्लेनर होगा। अब कोप्लेनर नाम से स्पष्ट है, कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में रहने वाला फोर्सेस, और अलग अलग प्लेन में होगा तो वो नॉन कोप्लेनर फोर्सेस कहलाएंगे। जैसे कि आप देख लीजिए, अगर हम बात करें इस दो फोर्स के बारे में, एक फोर्स आपका ये मान लीजिए एक फोर्स इधर की ओर है और एक फोर्स इधर की ओर है। अभी आप गौर से देखिए तो आपको दोनों फोर्स में नजर आ जाएगा कि ये फोर्स देख लीजिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और ये वर्टिकल प्लेन में है। तो ये दोनों फोर्स कहलाएंगे नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। अगर ये दोनों फोर्स इसी प्लेन में रहता तो ये दोनों सेम प्लेन में होगा, और सेम प्लेन में होगा तो ये ऐसे फोर्स क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर फोर्सेस कहलाएंगे। तो जो हम ये कहेंगे
वैसे फोर्स अगर जो सेम प्लेन में होगा वो सारे फोर्स को प्लेनर फोर्स कहलाएंगे, जो अलग अलग प्लेन में होगा वो सारे नन को प्लेनर फोर्स कहलाएंगे। ओके, तो को प्लेनर और नन को प्लेनर फोर्स आप समझ गए। दोज फोर्सेस विच आर लाइज इन सेम प्लेन आर कॉल्ड को प्लेनर फोर्स, दोज फोर्सेस विच आर नॉट लाइज या विच आर लाइज इन डिफरेंट प्लेन आर कॉल्ड नन को प्लेनर फोर्सेस। ओके, अब देखिए फर्दर को प्लेनर फोर्सेस को हम लोग तीन टाइप में बांट गए, तीन कैटेगरी में, एक कोलेनियर, कंकरेंट और नन कंकरेंट। अब समझिए बात को, अभी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं को प्लेनर फोर्सेस के बारे में। को प्लेनर फोर्स मतलब वैसा फोर्स जो सेम प्लेन में लाई करता है, सेम प्लेन में रहता है। अब सेम प्लेन में कितने तरीके से फोर्स रह सकता है उस पर सोचिए, क्या होगा कि या तो एक ही प्लेन में हो और एक ही पॉइंट के पास, देखिए सब सारा फोर्स देख लीजिए ध्यान से, ये पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ये फोर्स देख लीजिए आप, और एक ही पॉइंट से फोर्स पास की, मान लीजिए एक फोर्स यहां से निकल रहा है, एक फोर्स यहां से निकल रहा है। ओके, तो ये क्या होगा, सारा एक ही प्लेन में दोनों फोर्स आपको दिख रहा होगा एक ही, लेकिन देखिए एक ही पॉइंट से भी पास कर रहा है। जैसे अगर आप किसी चीज को अगर ग्राफिकली देखिएगा, अगर आप किसी चीज को ग्राफिकली देखिएगा तो कुछ यहां हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए इस चीज को, जैसे हमारे पास एक 3D है स्पेस जिसमें आपको एक प्लेन, दो प्लेन, एक प्लेन ऊपर, एक प्लेन नीचे, दो प्लेन, एक इधर राइट साइड में, एक बैक साइड में, चार और एक इधर पांच और एक छह, छह प्लेन आपको दिख रहे होंगे। लेट्स अगर आप देखिएगा तो आपको इसमें एक प्लेन आपको इसमें नजर आएगी, एक प्लेन आपको इस प्लेन में एक फोर्स, मान लीजिए इस प्लेन में F1 फोर्स है और एक प्लेन इसमें है F2, तो ये दोनों फोर्स कैसे होंगे, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस होंगे क्योंकि अलग अलग प्लेन में है। अगर मान लीजिए दोनों इसी प्लेन में हो तो ये कहलाएंगे कोप्लेनर फोर्सेस, दो या दो से अधिक तीन भी हो सकते हैं, मिनिमम दो होना चाहिए फोर्स, सिस्टम ऑफ फोर्स अगर हम पढ़ रहे हैं F3, तो ये सारे फोर्स कैसे कहलाएंगे, कोप्लेनर कहलाएंगे, चाहे ऐसे इसी में हो सब को प्लेनर कहलाएंगे। अब इस एक प्लेन में कितने तरीके से फोर्स रह सकते हैं, एक तो ऐसा हो सकता है कि फोर्स कैसा हो, कोलिनियर हो सकता है। देखिए कोलिनियर कहने का मतलब क्या है, एक ही प्लेन में एक फोर्स ये और ये, देखिए ध्यान से, को प्लेनर पहली बात को प्लेनर F1 एक फोर्स है और इसी लाइन में एक और फोर्स लग रहा है F2, और भी लाइन में इसी लाइन में F3 और F1 F2 F3, देखिए ये सेम प्लेन में तीनों फोर्स है। ओके, ये कोप्लेनर हो गया, क्या ये कोलिनियर है, एक ही लाइन में कोलिनियर ऐसे फोर्स को कहा जाता है जो सेम लाइन में लगता है, दोज फोर्सेस विच आर एक्ट इन द सेम लाइन, ओके सेम लाइन ऑफ सपोर्ट इज नॉन एज और आर कॉल्ड कोलिनियर फोर्सेस। ओके, अब देखिए यहाँ F1, F2, F3 ये कैसे है, कोलिनियर कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस है। अब आगे देखिए कोलिनियर फोर्सेस को हम लोग फर्दर दो पार्ट में बांट लिए, लाइक फोर्सेस और अनलाइक फोर्सेस। अब देखिए कि ये कोलिनियर फोर्स जो है वो क्या हो सकता है, दो प्रकार के, या कोलिनियर फोर्सेस में क्या दो बातें, या तो एक ही लाइन में हो लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो, जैसे कि आप देखिए F1 और F2, क्या ये कोप्लेनर है, हाँ है, कोलिनियर है, हाँ है, क्या ये लाइक है, लाइक मतलब सेम डायरेक्शन, ओके, तो ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ये सब फोर्स कहलाएंगे अनलाइक फोर्सेस। अगर फोर्स की डायरेक्शन सेम हो जाती तो ये कोप्लेनर कोलिनियर और लाइक फोर्सेस होता। ओके, तो ऐसा फोर्स जो सेम प्लेन में हो, कोप्लेनर हो, कोलिनियर हो और क्या हो, एक ही डायरेक्शन में हो, तो ऐसे फोर्स कहलाता है कोप्लेनर कोलिनियर लाइक फोर्सेस। अगर अलग अलग डायरेक्शन में हो, कोप्लेनर हो,
कोलिनियर हो बट डायरेक्शन डिफरेंट हो, तो यहां पर कहेंगे हेयर एफ वन एंड एफ टू आर कोप्लेनर कोलिनियर अनलाइक फोर्सेस, कोप्लेनर कोलिनियर अनलाइक फोर्सेस। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपको ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंकरेंट फोर्सेस। कैसे फोर्स को कहेंगे कंकरेंट फोर्सेस, तो वैसा फोर्स जो एक ही लाइन से पास एक एक कॉमन पॉइंट से पास करे ऐसे फोर्स कहलाते हैं कंकरेंट फोर्सेस। अभी हम सारा कोप्लेनर के बारे में बात करें, कोप्लेनर में कोलिनियर होगा, कोप्लेनर में कंकरेंट होगा, कोप्लेनर में नॉन कंकरेंट होगा। तो कंकरेंट के बारे में बात करें तो कंकरेंट क्या होगा, ऐसा फोर्स एक ही प्लेन में हो, यहाँ पर किसी कोप्लेनर कंकरेंट का अलग। तो कंकरेंट का मतलब होता है जो फोर्स एक ही कॉमन पॉइंट से पास करे सारे कंकरेंट फोर्सेस कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे एक तो फोर्सेस कोप्लेनर होनी चाहिए, फोर्सेस कैसे होने चाहिए एफ वन एफ टू और एफ थ्री। अब आप देखिए एक कॉमन पॉइंट वो से सारे फोर्स पास कर रहे हैं, तो ये आपके एफ वन एफ टू एफ थ्री सारे कैसे होंगे, एक तो कोप्लेनर होंगे और दूसरा एक तो कोप्लेनर होंगे और दूसरा कंकरेंट होंगे। ओके तो ये हो गया कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। फिर दोस फोर्सेस विच आर लाइन सेम प्लेन एंड पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड कंकरेंट फोर्सेस या कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। अब बात करते हैं नॉन कंकरेंट फोर्सेस की, तो वैसा जो एक ही, अब देखिए एक तो हो गया सेम लाइन में एक हुआ एक पॉइंट से अलग अलग। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये फोर्सेस जो होंगे वो आपका एक ही प्लेन में होंगे पर अलग अलग तरीके से होंगे, इस तरीके से ना वो कोलिनियर होंगे ना वो कंकरेंट होंगे, वो क्या होंगे नॉन कंकरेंट फोर्सेस। तो ऐसा फोर्सेस जो एक ही प्लेन में लाई करे, एक ही प्लेन में लाई करे ना वो कोलिनियर हो ना ही कंकरेंट हो, तो ऐसे फोर्सेस कहलाते हैं नॉन कंकरेंट फोर्सेस। अब ये दो प्रकार के हो सकते हैं, जरा सोचो भाई क्या हो सकता है। एक क्या, एक तो ये आप पैरेलल हो सकता है आपस में, जैसे F1 और F2 देखिए क्या हो सकता है पैरेलल हो सकता है। तो ऐसा होगा कोप्लेनर एक ही प्लेन में है, यस है कोप्लेनर नॉन कंकरेंट और ये हो जाएगा पैरेलल फोर्सेस। तो कोप्लेनर नॉन कंकरेंट और पैरेलल फोर्सेस। अब देखिए इसमें भी दो बात आएगी कि पैरेलल होने के साथ दोनों का डायरेक्शन सेम है या डायरेक्शन अपोजिट है। अगर डायरेक्शन सेम है तो हो जाएगा कोप्लेनर नॉन कंकरेंट पैरेलल लाइक फोर्सेस। अगर पैरेलल होने के बाद अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तो कोप्लेनर नॉन कंकरेंट क्या हो जाएगी पैरेलल सॉरी हाँ पैरेलल अनलाइक फोर्सेस। तो क्या हम लोग क्या कहेंगे, इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि वैसा फोर्स या दोस फोर्सेस विच आर कोप्लेनर नॉन कंकरेंट पैरेलल अनलाइक आर नॉन एज या फिर फॉलो द या फिर टेंस इन डिफरेंट डायरेक्शन आर कॉल्ड कोप्लेनर नॉन कंकरेंट पैरेलल अनलाइक फोर्सेस। इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं इन फोर्सेस को। अब बच गया नॉन कंकरेंट फोर्सेस नॉन पैरेलल फोर्सेस। तो फोर्स अब देखिए एक सॉरी नॉन कंकरेंट होगा और नॉन पैरेलल होगा। अब कैसे होगा देखिए, एक फोर्स जैसे है और एक फोर्स क्या है हमारे पास नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल मतलब ये देखिए अब इस फोर्स को जरा सा एफ वन और एफ टू को देख के हमें बताइए क्या आप देख रहे हैं, ये बताइए कोप्लेनर है एग्जैक्टली है, क्या ये नॉन कंकरेंट है एग्जैक्टली है, और क्या ये फोर्स नॉन पैरेलल है पैरेलल भी नहीं। तो ऐसे फोर्स कहलाएंगे कोप्लेनर नॉन कंकरेंट नॉन पैरेलल फोर्सेस। दोस फोर्सेस विच आर लाइज इन सेम प्लेन एंड नॉट पासिस टू अ कॉमन पॉइंट एंड ऑल्सो नॉट पैरेलल टू इच अदर
such type of force are called coplanar, non-concurrent, non-parallel forces. Okay, इस तरीके से आप कोप्लेनर फोर्स के जितने भी फोर्सेस, जितने भी कैटेगरी हो सकती है, वो सारे हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लिए। चलिए अब बात करते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्सेस के बारे में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि फोर्स कैसा होना चाहिए, नॉन कोप्लेनर, यानी एक प्लेन में नहीं होना चाहिए, यानी फोर्स अलग अलग प्लेन में होगा तो ऐसे फोर्स कहलाएगा नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। चलिए अब आपको हम समझाते, तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं कि प्लेन अलग हो बट कंकरेंट हो, नॉन कंकरेंट हो। जैसे अब देखिए इस चीज को, जैसे हमारे पास एक फोर्स, देखिए ध्यान से, ये क्या है, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, देखिए एग्जैक्टली एक फोर्स इधर की डायरेक्शन में, एक ऊपर की डायरेक्शन में। अब बताइए क्या ये दोनों फोर्स कोप्लेनर है, नहीं, ये नॉन कोप्लेनर है। ओके, अब बात बताइए क्या ये कंकरेंट है। कंकरेंट क्या होता है, आपको हम बताए थे कि सेम पॉइंट से पास करता हुआ फोर्स। अब देखिए क्या ऐसे ये फोर्स इस प्लेन में नहीं पास कर सकता सेम पास पॉइंट से। ओके, ये पास कर सकता है, तो यहां से हम लोग क्या क्या कह सकते हैं कि ये फोर्स क्या है, कोप्लेनर, सॉरी नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। तो वैसा फोर्स जो डिफरेंट प्लेन में लाइज करे और सेम पॉइंट से पास करे, ऐसे फोर्स कहलाते हैं नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कि ऐसा भी हो सकता है, दूसरा कंडीशन क्या, कि अलग अलग प्लेन में हो ऐसे कुछ सेम पॉइंट से पास नहीं कर रहा, फोर्स यहां एक फोर्स यहां पे था सेम पॉइंट से पास कर रहा, फोर्स यहां एक फोर्स यहां, अलग अलग प्लेन, तो ये क्या हो जाएंगे नॉन कोप्लेनर, क्योंकि एक प्लेन में नहीं है, तो नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट, क्योंकि कॉमन पॉइंट से पास नहीं कर रहा, नॉन कंकरेंट फोर्सेस। तो ऐसे फोर्स हो जाएंगे नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। ओके, अब नॉन कंकरेंट क्या हो सकते हैं, अब देखिए ध्यान से देखिए चीज को, नॉन कंकरेंट क्या हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, नॉन पैरेलल। अब ये कैसे, देखिए एक तो ये दोनों फोर्स हो गया जो नॉन पैरेलल है, नॉन कंकरेंट है, पहले तो नॉन कोप्लेनर है, नॉन कंकरेंट है और नॉन पैरेलल है। अब ऐसा हो सकता है कि एक ऊपर के प्लेन में और एक नीचे के प्लेन में। अब देखिए ये दोनों फोर्स क्या कोप्लेनर है, वो ऊपर वाले प्लेन में फोर्स है, ये नीचे वाले प्लेन में फोर्स है, ये ऊपर वाले में नीचे वाले में, क्या ये फोर्सेस कैसे हैं, ये नॉन कोप्लेनर फोर्सेस है। इसके बाद ये नॉन कंकरेंट है क्योंकि एक ऊपर से पास नहीं कर रहा, क्या ये पैरेलल है, यस ये पैरेलल है। तो ये हो गया नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट, ओके, पैरेलल फोर्सेस। अब पैरेलल फोर्सेस में डायरेक्शन सेम होगा तो लाइक फोर्स, और डायरेक्शन डिफरेंट होगा तो अनलाइक फोर्स, एक इधर की ओर एक इधर की ओर, तो ये पैरेलल अनलाइक हो जाएगा। ओके, अब बात आ गई इसके अलावा हमारे पास नॉन पैरेलल, तो नॉन पैरेलल एग्जांपल आपको दे ही रखे, जरा सा एक बार इसको हम लोग अपने 3D स्पेस में समझ ले इस चीज को। जैसे आप देखिए यहां से, तो आप पाइएगा क्या कि एक फोर्स अगर यहां इस प्लेन में लग रहा है और इसी एक प्लेन, एक फोर्स इस प्लेन में लग रहा है सपोज दैट, और एक फोर्स आपको इस प्लेन में लग रहा है, देखिए ध्यान से, तो ये कैसे होंगे कोप्लेनर F1 और F2 कैसे होंगे, कोप्लेनर, ओके सॉरी नॉन कोप्लेनर, एक प्लेन में नॉन कोप्लेनर और कंकरेंट फोर्सेस। अब इसी चीज को देखिए कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहां ऊपर में लग रहा है, और ये क्या हो जाएगा, ऐसे फोर्स क्या होंगे नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। और उसके बाद भी आपको क्या दिख रहा है, नॉन कोप्लेनर एक प्लेन में नहीं, नॉन कोप्लेनर और पैरेलल फोर्सेस। ओके, और फिर देखिए पैरेलल में भी क्या दिख रहा है, लाइक अगर ऐसे कर देंगे तो पैरेलल अनलाइक, अगर हम ऐसे कर ले नॉन पैरेलल कैसे हो जाएगा, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, एक इस प्लेन में और एक F1 और F2, यहां पे क्या होगा नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट, और ये हो जाएगा नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट और नॉन पैरेलल फोर्सेस।
इस तरीके से हम लोग सारे फोर्स को एक एक करके वन बाय वन डिस्कस कर लिए और आज की क्लास में इसके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेते आए तो आप मेरे चैनल polytechhub.com को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपके लिए हम ऐसे भी और भी वीडियो लेते आते रहें। चलिए आज के लिए थैंक्स, बाय।